नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। भारत इन दिनों दुश्मन को धूल चटाने के लिए अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है और साथ ही दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब भी दे रहा है। मगर इसी बीच अब भारत ने सैन्य क्षेत्र में एक और नया इतिहास रच दिया है, जिसने चीन और पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देसी लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के किसी रक्षा मंत्री ने स्वदेशी यानी कि देश में बने हुए लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी हो। जैसे ही राजनाथ सिंह ने तेजस में बैठकर हवाओं से बात की तो दुश्मन के पसीने छूट गए, क्योंकि ये वो तेजस है जिसमें जंग मैदान में हथियार गिराने की अचूक क्षमता है और दुश्मन की मिसाइल से निपटने की कलाबाजी की महारत भी हासिल है। 10-30 साल पहले तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया था, अब तेजस का अपग्रेड वर्जन भी आने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि भारत को तेजस विमान को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी और इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जिसके चलते पाकिस्तान और चीन भी खौफ खाते हैं। बता दें, कभी देश की शान रहे MiG-21 विमान अब पुराने हो चुके हैं। इनकी वजह से एयरफोर्स के करीब 43 जवान शहीद हो चुके हैं। देश में पिछले 45 साल में करीब 465 मिग विमान गिर चुके हैं, वो भी दुश्मन से बिना लड़े। जंग के मैदान में तो सिर्फ 11 मिग विमान ही गिरे हैं। ऐसे में देश को एक ताकतवर विमान की जरूरत पड़ी जो दुश्मन को हवा में ही तबाह कर दे, और इसकी तैयारी 1980 में शुरू कर दी गई। दो दशकों की तैयारी और विकास के बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। बता दें कि तेजस को भारत में डिजाइन किया गया है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रयास से बनाए गए थंडरबर्ड से भी कई गुना ज्यादा दमदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेजस के प्रदर्शन की बात की गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान और चीन ने अपने थंडरबर्ड को हटा लिया था। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधार कर बनाया जा रहा। आइए अब निगाह डालते हैं तेजस की ताकत पर। दरअसल तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। इसका कुल वजन लगभग 6,560 किलोग्राम है, जिसकी वजह से ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और ये 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम भी है। पाकिस्तान और चीन के सहयोग से बनाए गए लड़ाकू विमान JF-17 भी इसकी ताकत के आगे फीके पड़ जाते हैं। तेजस जहां एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं थंडर 2,307 किलोमीटर उड़ सकता है। तेजस में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जबकि थंडर में ऐसी कोई भी खूबी नहीं है, और यही कारण है कि मलेशिया समेत कई देश भी इसकी ताकत देकर फिदा हो गए। बता दें कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की ओर से बनाए गए इस विमान का आधिकारिक नाम तेजस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा। खैर, इससे साफ है कि जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में नई नई तकनीक विकसित कर रहा है, अगर ऐसे में दुश्मन ने भारत की ओर आंख उठाने की भी कोशिश की तो वहीं की वहीं वो तबाह हो जाएगा। भारत के देसी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।